हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मेरा बर्थडे, तो मैंने अपने बर्थडे पर स्पेशल एक खजूर की बर्फ़ी बनाई। तो चलिए कैसे बनाते हैं, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं थोड़े से अखरोट और थोड़े से काजू। हम इनको रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आपको जो भी अच्छे लगते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सभी को ऐसे ही रफली चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए। तो ये देखिए, इसी तरह से सभी मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर जो मैंने खजूर है बिना बीज वाले ली हैं, अगर आपके पास बीज वाली खजूर है तो उसमें से बीज निकाल दीजिए। और जो उसकी पल्प है उसको हम 2 चम्मच देसी घी में ऐसे ही डाल करके पका लेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से सभी खजूर मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो आपको गैस की आंच है उसे बिल्कुल धीमा रखना है, नहीं तो खजूर का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो धीमी गैस की आंच पर हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, सभी खजूर इसी तरह से इसमें डाल करके मैं थोड़ा सा इसे कुक कर लूँगी, बिल्कुल मैश कर लेना है। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म हो जाती हैं कि ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसी तरह से इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। तो हम सभी खजूर को इसी तरह से पका करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी जो खजूर है अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी और डाल लूँगी। हमने जो ड्राई फ्रूट कुक करके रखे थे वो इसमें डाल लेंगे। ये मैंने हल्के से घी में रोस्ट कर लिए थे तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी में मैं डाल लूँगी 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे हम सूंड भी कहते हैं, उसका पाउडर हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ नारियल का चूरा। तो अगर आपके पास फ्रेश नारियल है उसको घिस करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, जहाँ जो नारियल की गिरी आती है उसको आप हल्का हल्का सा कद्दूकस करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है खसखस, जिसे हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। अच्छी तरह से हम इन सबको मिक्स करके पका लेंगे 5 मिनट तक। तो यहाँ पर आपको जो गैस की आंच है धीमी ही रखनी है। धीमी आंच पर हमने जो अभी हमने मसाले वगैरह डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ। जो पॉपी सीड्स हैं एकदम से वो हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो आप ध्यान रखें कि गैस की आंच को धीमा रखें और धीमी आंच पर ही हम इसे पका करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारे जो सभी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस को बंद करने के बाद हम 2 मिनट तक इसे ऐसे ही ठंडा कर लेंगे, थोड़ा ते रहें, क्योंकि जो हमारा पैन है अभी भी गर्म है। ये देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे एक पेपर में, क्योंकि हमें इसमें इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे राउंड शेप में इसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर पे इसे राउंड शेप में निकाल लिया है। इसी तरह से अब हम इसको रोल करते हुए थोड़ा सा टाइटली हाथों से हम इसे रोल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब हम इसके पीस काटेंगे तो अच्छी तरह से हमारे पीस कट जाएं। तो ये देखिए, इसी तरह से सेट करके मैं एक बॉक्स में इसे रख दूँगी लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो हमारी बर्फ़ी है बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसे राउंड शेप में पीसीस में कट कर लिया है। तो ये देखिए, कितनी टेस्टी बन करके तैयार हो गई है हमारी खजूर की बर्फ़ी। ये बहुत ही हेल्दी होती है, सर्दियों में इसे आप ज़रूर बना करके खाएं। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।